गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास मैथ की क्लास। और हमने पिछली क्लास में बेसिक करवाया था फिफ्थ चैप्टर का, जिसमें हमने अपने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। जो एक्सरसाइज है उसमें 5.1 का जो फर्स्ट सम है, उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि किसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, यानी किसका जो डाटा है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, द फर्स्ट जो हमारा ए नंबर पार्ट है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन बैग। जो पोस्टमैन है वो अपने बैग में अलग अलग एरियाज से जो भी लेटर्स निकालता है, क्या उसका हम हिस्टोग्राफ बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। जो एथलेटिक कोई मीट यानी कोई कंपटीशन होता है, उसमें जो कंपटीटर जो उसमें पार्टिसिपेट करता है उसकी हाइट के बारे में। थर्ड है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय फाइव कंपनीज। कोई फाइव कंपनीज है जो कि नंबर ऑफ कैसेट्स बनाती है, प्रोड्यूस करती है। और फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। किसी स्टेशन पे जो पैसेंजर्स है सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक जो पैसेंजर्स हैं वो कितने हैं, तो इनमें से हम किस किस के लिए हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसमें हमें कुछ इंटरवल्स दे रखा होता है, जैसे 7 AM टू 8 AM, 8 AM टू 9 AM, इस तरीके से जो इंटरवल्स होते हैं उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसमें से अगर यूज कर सकते हैं तो हम बी और डी पार्ट है जो इसका जो हमने बताया है, सिर्फ उसके लिए यूज कर सकते हैं क्लास इंटरवल्स। और क्लास इंटरवल जिसमें यूज होता है उसी में हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको जो बताना था वो रीजन बताना था कि क्यों बना सकते हैं। तो क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो में हम क्या ले सकते हैं, अपना इंटरवल्स यूज कर सकते हैं। तो ये आपको फेयर कॉपी में क्या करना है, सिर्फ रीजन्स बताना है, ये आपको ग्राफ के थ्रू नहीं बताना है। तो ग्राफ के थ्रू होगा वो हम करेंगे जो हमारे अगले सम होंगे उनमें। अब जैसे सेकंड सम है, सेकंड सम में स्टेटमेंट दे रखी है कि द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे कुछ ग्राहक आते हैं, शॉपर्स आते हैं, और उसमें क्या आ सकते हैं, मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, ये सारी चीजें क्या है वहां पर दुकान में आ सकती है, ये सभी आ सकते हैं। तो उसने क्या किया, जो दुकानदार था उसने क्या किया, उसकी कैटेगरी डिवाइड कर दी कि भी कितने मैन आते हैं, नंबर ऑफ मैन निकालने हैं, नंबर ऑफ मैन उसने काउंट कर लिए, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरीके से उसने काउंट कर लिए और फिर वो क्या करता है, अपनी एक टेबल बनाता है, एक लिस्ट तैयार करता है, जिसमें आपको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो सेकंड पार्ट है। अब इसने क्या दे रखा है, जो मैन है उसके लिए एम, जो वुमेन है वुमेन के लिए क्या है डब्ल्यू, बॉय के लिए क्या है बी, और गर्ल्स के लिए क्या है, ये है आपका जी। तो इसने इसमें नंबर ऑफ दे रखे हैं सभी ये चीजें कि भी मैन वुमेन बॉय गर्ल्स। अब उसने क्या कर लिया कि जो भी जैसे फर्स्ट नंबर पे वुमेन आए, वुमेन आई तो क्या उसने कर लिया डब्ल्यू, जैसे इसमें स्टार्टिंग में है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो स्टार्टिंग जो तीनों ग्राहक आए थे, शॉपर्स आए थे, वो क्या थे, वो थी तीनों वुमेन। तो अब उसने फिर जी आया, जी का मतलब गर्ल, फिर जैसे बॉय, फिर वुमेन वुमेन, फिर मैन। तो हमने क्या करना है, जो हमारी टेबल बनेगी उस टेबल में हमने फर्स्ट लेना है, जो कॉलम होगा फर्स्ट वो हमने लेना है शॉपर्स, यानी जो भी दुकान पे आया है। तो इसने क्या किया, पहले आई है वुमेन, फिर आया है मैन, फिर बॉय, और फिर क्या आया है गर्ल। तो हम इसमें काउंट करेंगे वुमेन कितनी है, तो यहां पर लिख देंगे हम नंबर्स, तो नंबर्स ऑफ वुमेन देखेंगे कितने हैं। तो हम इसमें काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब आप इस तरीके से इसको काउंट करोगे तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी आ जाएंगी,
28। फिर आप जब मैन काउंट करोगे तो वो कितने आएंगे, 15। और जब आप बॉय काउंट करोगे तो बॉय आएंगे 5 और गर्ल्स आएंगे कितनी, 12। ये आपको काउंट करके लिखनी है। जैसे वुमेन कितने आएंगे, 28, मैन कितने आएंगे, 15, बॉय कितने आए, 5 और गर्ल्स आई, 12। तो ये आए, उसमें ग्राहक आए थे जो दुकान पे उसने काउंट किए थे। तो इसने ये तो लिस्ट बना ली। अब इसके हमने क्या करनी है, टैली मार्क्स यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे तो टैली मार्क्स के लिए हमने क्या बताया था, ये तो होता है एक के लिए, दो के लिए क्या होते हैं, टू, थ्री के लिए क्या होते हैं, थ्री बार्स, फोर के लिए फोर बार्स, और फाइव के लिए क्या होते हैं, फोर बार्स ऐसे, और वन इस तरीके से। तो 28 के लिए कितने बन जाएंगे, 28 के लिए हम बनाएंगे, ये तो 5 हो गए, ये फिर 5, 5, 5, 5, ये हो गए 25, और 6, 7, 8 यानी 28 हो गए। 15 के लिए हम इस तरीके से 5, 5 वाले 3 बनाएंगे, 5 के लिए एक ही बनाएंगे 5 वाला, 12 के लिए 2 5 वाले और एक हम 2 वाला बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ड्रा ए बार ग्राफ, अब इसका हमने क्या करना है, बार ग्राफ भी बनाना है। तो हम बार ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुमेन, यहाँ पर मैन, यहाँ पर बॉय, यहाँ पर गर्ल, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर। अब इसका ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं आपकी रेंज ले लेते हैं 7 की, 7, 14, 21, 28। हमने पिछली क्लास में बताया था जो ये रेंज होगी 0 to 7, तो ये 7, 7 की रेंज लेनी है। तो अब यहां पर क्या आ गया, सोपर्स, और यहां पर क्या आ गया, नंबर्स। तो ये होता है वाई एक्सिस, जो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो वुमेन कितनी है, 28, तो हम ये बार ग्राफ बना देंगे, यहां पर आ जाएगा वुमेन का। मैन क्या है, 15, अब 15 क्या होगा, 14 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पर हम लेंगे इस तरीके से। बॉय कितने हैं, 5, तो 5 का ऊपर होगा, 7 से थोड़ा सा नीचे, तो ये हो गया बॉयज का। और गर्ल्स क्या है, 12, तो 12 क्या होगा, 14 से नीचे, तो 14 से नीचे हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है, और ये बार ग्राफ आपको बनाना है पेंसिल के साथ और स्केल के साथ। ये जो यहाँ पर जो गैप होगा वो बिल्कुल सेम रखना है, ये नहीं कि ये दोनों इकट्ठे कर लिए, यहाँ पर गैप ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। ये था आपका पार्ट सम नंबर सेकंड। अब हम करेंगे अपना सम नंबर थर्ड। उसमें भी क्या है, कुछ डाटा दे रखा है, और उस डाटा को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डिवाइड करना है। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, और उनके दे रखे हैं वेजेस। वेजेस मतलब जो भी वो एक दिन में कमाते हैं। अब मैं इसकी पहले टेबल दिखा देता हूं कैसे करनी है। ये तो फर्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा वेजेस इंटरवल, फिर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहां पर आ जाएगी टैली मार्क्स यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो। अब इसमें देखो, इसमें बेटा लास्ट में दे रखा है, जो इंटरवल्स लेना है वो हमने लेना है 800 to 810, फिर 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840। इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल लेने हैं, और ये लेने हैं आपको 850 to 60, 60 to 70, 70 to 80, इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं, जैसे 800 to 810 तक कितने लेने हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको है ना 810 वाला काउंट नहीं करना है, यहां पर काउंट करना 800 to 809, क्योंकि जो 810 वाला है वो नेक्स्ट में काउंट करना है।
तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट में है, हम जब इसको चेक करेंगे तो हमारा जो 800 से लेकर 810 के बीच का है जो, वो आते हैं जैसे 804, 808 और 806। तो इसमें टोटल कितने आ गए, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स 3 आ गए, और यहाँ पर टैली मार्क्स में क्या करेंगे, 3 बार्स। इस तरीके से अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे 810 से 820 तक क्या आ जाएंगी, 2 आ जाएंगे। फिर 820 से 30 तक 1 आ जाएंगे। इसमें आपको देखना है बताइए कि जैसे भी 810 से 820 तक कौन कौन से आते हैं, फिर इस तरीके से आपकी ये टेबल बन जाएगी। 1 3 यहाँ पर 1 1, और 890 से लेकर 900 तक कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 4। ये आपको जो भी डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करनी है। अब इसमें हमने यहां पर टैली मार्क्स बनाया, 9 के लिए 5 वाला, और 4, 5 के लिए एक ही बनेगा 1, 3 के लिए 1 1, और 4 के लिए ये तो हमारी बन गई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें हमने कोई ये नहीं बता रखा कि भाई हमने इसका बार ग्राफ बनाना है कि नहीं। हम इसका बार ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पूछ रखा है कि भाई मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें इंटरवल्स ये दे रखे थे, ये हमारी बन जाएगी टेबल। तो ये हमने आज फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमने सम किए हैं, जो नेक्स्ट जो टू सम है, फोर्थ और फिफ्थ, ये हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।